नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू सीआईईटी एनसीईआरटी'स लाइव फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम। मैं हूं तन्वी खुराना और 10th क्लास के सभी बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल नंबर 10 पर। और मैथ्स की इस कार्यक्रम में आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं, जिसके प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री। और इसका भाग एक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही वास्ट टॉपिक है और एक प्रोग्राम में खत्म नहीं हो सकता। अगर आपने 9th तक की मैथ्स पढ़ी है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक नहीं था। सो ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर ऑल द 10th क्लास स्टूडेंट्स। सो प्लीज वॉच इट वेरी केयरफुली एंड वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझाएंगी और किस तरह से उससे जुड़े हुए जो सवाल होते हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना पेन और पेपर रेडी रखिएगा और अपनी बुक भी आप ओपन करके रख सकते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमान से। हमारे साथ है मिस सविता ग्राक। स्वागत है मैम आपका। जी तन्वी नमस्कार, और आपने बिल्कुल सही कहा कि पेन पेपर बुक रेडी जरूर रखें। जी गुड आफ्टरनून मैम। मैम का परिचय हम आप सभी से करवाना चाहेंगे। मैम है टीचर गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र से। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हुए तो हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8800440559। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल होगा dth.class10@cit.nic.in। तो चलिए शुरू करते हैं इस बातचीत को और मैम से ही पूछते हैं। मैम, ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल करके किस तरह से प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती हैं और आज के इस कार्यक्रम में हम कौन सा क्या सीखने वाले हैं एग्जैक्टली? जी बिल्कुल तन्वी, तो जो आज का टॉपिक है इट इज ट्रिग्नोमेट्री विच इज वेरी मच न्यू टू आवर व्यूअर्स एज यू ऑलरेडी हैव सेड। सो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर बात करते हैं हम क्या क्या चीजें सीखने जा रहे हैं अंडर दिस टॉपिक। First of all, we will learn about that what do we mean by T ratios, or we can say trigonometric ratios. In short, we can say T ratios. And then we will study about the relationship between T ratios. There are total 6 T ratios. और उन 6 T ratios का आपस में कोई ना कोई relation रहता है. These T ratios are interlinked. Then we will study about the relationship between these. Then the next thing is trigonometric ratios of the standard angles. There are some standard angles like 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. We will learn about the values of the T ratios at these particular angles. Then the next thing is trigonometric identities. And at last, we will study the problems which are related to the trigonometric identities. Out of these, today we are going to cover the first two. That means, what are trigonometric ratios and the relationship between trigonometric ratios. So, let us start. First of all, trigonometric ratios. So, trigonometric ratios, ki agar hum baat karte hain, then the side opposite to right angle is called hypotenuse. For that, I would like to introduce this slide. The first, trigonometric ratios mein ट्रिगोनोमेट्री द नेम ऑफ आर चैप्टर, ये जो वर्ड है ये कहां से इंट्रोड्यूस हुआ? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक टर्म्स जिनमें से एक है ट्रिगोन एंड द अदर इज मेट्रम। तो ट्रिगोन का मतलब है ट्राइंगल। अगर हम इसे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं ट्राई प्लस गोन, जहां पर ट्राई का मतलब हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से क्लियर है, दैट मीन्स थ्री, एंड गॉन मीन्स थ्री साइड्स, दैट मीन्स एक ऐसी फिगर जिसकी थ्री साइड्स होती हैं, तो ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। एंड द अदर पार्ट इज मेट्रन। मेट्रन का मतलब होता है मेजर करना, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम ट्राइंगल से रिलेटेड वेरियस वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। एंड नाउ What do we mean by trigonometric ratio? मैंने अभी आपसे बात की थी कि देर आर टोटल 6 trigonometric ratios. तो ये 6 trigonometric ratios हैं कौन सी? Let us discuss. A ratio of the length of sides of a right angle triangle. Dear viewers, हम ध्यान रखेंगे कि जब हम T ratios की बात करते हैं तो सीधे सीधे right angle triangle से connection रहेगा हमारा। और एक right angle triangle में कितनी sides होती हैं ये आप सबको पता है। देर आर थ्री साइड्स, और ये थ्री साइड्स कौन कौन सी होती हैं? आउट ऑफ दीज हम सभी को पता है, लेट अस डिस्कस दिस वंस, दैट
डिसाइड अपोजिट टू द राइट एंगल, जहां पर राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस एंगल के एकदम सामने जो साइड है दैट इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल. सो इन दिस फिगर वी कैन से दैट एसी इज द हाइपोटेन्यूज. इसके बाद बात करते हैं कि एंगल सी, एंगल सी कैसा एंगल है. दिस इज एन एक्यूट एंगल अनडाउटेडली. राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, इट इज 180 डिग्री. तो इनमें से अगर एक एंगल 90 डिग्री है दैट मीन्स बाकी दोनों एंगल्स का सम एंगल ए प्लस एंगल सी दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री. तो अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है दैट मीन्स बोथ ऑफ दीज आर एक्यूट एंगल्स. तो हम यहां पर बात करते हैं कि अगर हमें एंगल सी एक एक्यूट एंगल गिवन है, इन दैट केस द साइड ए बी इज कॉल्ड द साइड अपोजिट टू एंगल सी. इस पॉइंट को बहुत ध्यान से हम एक बार ऑब्जर्व करेंगे. साइड ए बी इज कॉल्ड द साइड अपोजिट टू एंगल सी. दैट मींस ये जो साइड है ए बी एंगल सी के अपोजिट है, और जो एंगल हमें मेंशन होगा उसके अपोजिट साइड जो भी रहेगी उसमें से एक बेस, दैट मींस इन दोनों साइड्स में से एक साइड बेस है और दूसरी साइड है परपेंडिकुलर. तो अगर हम टी रेशियो की बात करेंगे फॉर एंगल सी, इन दैट केस एंगल सी के सामने वाली साइड को बोला जाएगा परपेंडिकुलर. ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है. मान लीजिए मैं एक टी रेशियो लिखती हूं, वन ऑफ द टी रेशियो इज साइन ए. सो साइन का मैंने यहां पर जो एंगल मेंशन किया है दिस इज एंगल ए, तो इसका मतलब इस बार बेस एंगल एंगल ए लेना है. तो एंगल ए के सामने जो साइड है उसे आप मानेंगे परपेंडिकुलर. तो एक चीज एकदम से क्लियर हो जाए हम सभी को कि राइट एंगल के सामने वाली साइड है हाइपोटेन्यूज, और जो भी आपको बेस एंगल गिवन है, अगर आपको बेस एंगल एंगल सी गिवन है तो एंगल सी के सामने वाली साइड जो है दैट इज परपेंडिकुलर, और तीसरी जो साइड बच गई दैट विल बी कंसिडर्ड एज बेस. तो अगर हमें बेस एंगल एंगल सी गिवन है इन दैट केस हमारे पास जो टी रेशियोज है वो हम किस फॉर्म में निकालेंगे, साइन सी कॉस सी टेन सी. अभी हमारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि साइन कॉस टेन मैं क्या बोल रही हूं, तो हम इसे एक बार डीप में पढ़ते हैं. यस, सो आई हैव रिटन हियर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. देर आर टोटल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इन सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर हम बात करते हैं, लेट अस थिंक दिस एंगल टू बी द बेस एंगल एंगल सी को, और हम इसे मान लेते हैं थीटा. दिस वर्ड इज नोन एज थीटा. सो एंगल सी को वी हैव सपोज टू बी थीटा. सो इफ एंगल सी हैज बीन सपोज समथिंग देन एंगल सी के सामने वाली जो साइड है दैट मीन्स ए बी जो साइड है दैट विल बी नोन एज द परपेंडिकुलर, और हाइट हम बोल सकते हैं. दिस साइड इज नोन एज द बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड हमारा है दैट इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज. सो डियर व्यूअर्स, देयर आर टोटल थ्री साइड्स, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज. एक ट्राइंगल की ये टोटल थ्री साइड्स हैं. इन थ्री साइड्स के रेशियोज अभी निकालते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की. रेशियोज मींस कि कुछ भी लेंथ मुझे बेस की गिवन है, कुछ भी लेंथ परपेंडिकुलर की गिवन है, कुछ भी लेंथ हाइपोटेन्यूज की गिवन है. इन दैट केस अगर मैं रेशियो निकालती हूं ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, इसी तरह से बेस को अगर न्यूमरेटर रखते हुए एक और यहां पर साइड है, वन वाज परपेंडिकुलर अदर इज हाइपोटेन्यूज विच कैन बी द डिनोमिनेटर. मीन्स बेस को न्यूमरेटर रखते हुए डिनोमिनेटर कैन बी आइदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज. So this is the first one is the ratio between the base and perpendicular. The second one it is the ratio between the base and the hypotenuse. ऐसे ही हम कौन कौन से possible ratios यहां से निकाल सकते हैं, let us go through that the first. हम perpendicular को भी base assume कर सकते हैं, और अगर perpendicular base है तो बाकी दोनों sides में से base और hypotenuse में से कोई भी हमारे पास denominator हो सकता है. तो दीज आर द टू अदर रेशियोज. एंड सिमिलरली अगर हम हाइपोटेन्यूज को न्यूमरेटर एज्यूम करते हैं, इन दैट केस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स की हेल्प से ये टोटल सिक्स रेशियोज निकालने पॉसिबल हैं.
इससे ज्यादा कोई भी रेशियो हम नहीं निकाल सकते और इन सिक्स रेशियोज को ही सिक्स टी रेशियोज का नेम दिया गया है। इनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं साइन। नाउ टी रेशियोज दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये डिफाइन किए जाते हैं इन पर्टिकुलर नेम से, आपको थोड़ा सा नए लगेंगे, थोड़ा सा अलग लगेंगे, बट यू विल बी वेरी मच कन्वीनियंट विद दीज टी रेशियोज इन द अपकमिंग सेशंस। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड आई हैव मेंशनड हियर इज साइन, देन कोसाइन, देन टेंजेंट, आप साथ साथ बोलकर देख सकते हैं, देन कोटेंजेंट। After cotangent, I am writing cosecant. It is cosecant. And the last is secant. Simple सी बात मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जो हमने six ratios लिखे हैं जो आपको बहुत easily clear हो रहे थे, इन six ratios को हमने T ratios की help से explain किया है। और ये T ratios है, जैसे कि अगर sine की बात करते हैं तो theta will be written as perpendicular upon hypotenuse, यानी इन सब रेशियोज में से अगर हम ये रेशियो देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इस रेशियो को नेम दिया गया है साइन थीटा का। आपके माइंड में एक और क्वेश्चन अभी चल रहा होगा कि यहां पर तो हमने साइन, इट्स स्पेलिंग हैज बीन मेंशन्ड एज एस आई एन ई, लेकिन यहां पर मैंने लिखा है एस आई एन, तो इतना लंबा लंबा पूरा पूरा लिखने के बजाय इन सभी टी रेशियोज की कुछ एब्रीविएशन फॉर्म्स हैं, तो जब भी हम एंगल के साथ मेंशन करेंगे वी विल राइट दोज एब्रीविएशंस। जैसे कोसाइन, इसको हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो रेशियो है ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट मींस ये जो रेशियो है दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा और कोसाइन थीटा। सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज टेंजेंट, सो I can say that tan theta, in short, tangent को हम लिखते हैं tan, is equal to perpendicular divided by base. तो ये तीनों अगर आपको याद हो जाते हैं, समझ आ जाते हैं, तो इन तीनों के साथ ही नेक्स्ट जो तीनों वैल्यूज है, that means cotangent, secant and cosecant, इन तीनों को भी समझना, लर्न करना बहुत ईजी है। So if I am writing the value of cosecant theta, then cosecant theta is equal to hypotenuse upon perpendicular. Secant theta, जिसे हम in short लिख सकते हैं SEC, sec theta. Sec theta is equals to hypotenuse upon base. And the last is cotangent, which can be in short written as cot theta, और cot theta की value होती है base upon perpendicular. So, बस ये सभी सिक्स टी रेशियोज ही चलते रहेंगे। सबसे पहले हमने अभी नॉलेज ली है दैट व्हाट डू वी मीन बाय टी रेशियोज। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक हम आज करेंगे दैट विल बी रिलेशनशिप बिटवीन द टी रेशियोज। सो रिलेशनशिप डिस्कस करने से पहले एक बार देख लेते हैं हम यहीं से कि ये रिलेशनशिप बनेगा कैसे, सो दैट यू विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट दीज थिंग्स। साइन थीटा की वैल्यू हमने लिखी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, okay let us change the highlighters color, and cosecant theta ki value likhi hai hypotenuse upon perpendicular. To agar hum in dono values ko dekhte hain, the value of sin theta and the value of cosecant theta, both of these are just the reciprocal of each other, yani hum bahut easily bol sakte hain that the value sin theta is equal to 1 upon cosec theta. Similarly, cosec theta is equal to 1 upon sin theta. So this is the relationship between sin and cosecant theta, or cosec theta in short, you can speak it up. Similarly, cos theta की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब अगर हम देखते हैं वैल्यू ऑफ secant theta, वो इसी का ही रेसिप्रोकल है, that is hypotenuse upon base. So hypotenuse upon base, base upon hypotenuse. हमें क्लियर हो जाता है कि both of these are reciprocal of each other. तो हमने एक रिलेशनशिप यहाँ पर डिस्कस किया था, ये this was the second relationship. Now we are writing the third relationship, and what it is? It is cos theta is equal to 1 upon sec theta. और यहीं से fourth relationship हमारे पास
कवर होता है, दैट इज sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा. ऑल राइट, तो अभी दो और रिलेशनशिप है हमारे पास, जिनमें से फर्स्ट रिलेशनशिप इज बिटवीन दिस टेंजेंट एंड कोट. तो ये रिलेशनशिप अभी हमारे व्यूअर्स भी बहुत अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, हमें आप मैसेज कर सकते हैं दैट tan थीटा इक्वल्स टू अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है और cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो राइट हैंड साइड्स अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी सेम. तो फिफ्थ रिलेशनशिप जो हमारे पास बनता है दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा. एंड द लास्ट इज cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा. द लास्ट इज cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा. यस डियर व्यूअर्स, यू कैन इवन नोट डाउन दीज 60 रेशियोज 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो अब आपको लग रहा होगा कि पूरा गोल गोल घूम गया, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, हमें कैसे ध्यान रहे कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा किसके इक्वल होता है. तो उसके लिए एक छोटा सा हम फॉर्मूला भी अपने माइंड में रख सकते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे इससे पहले कि व्हाई डू वी नीड ऑल दीज 6 टी रेशियोज. तो एप्लीकेशन पार्ट की हम बात कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत हमें क्यों है, ट्रिग्नोमेट्री की रियल लाइफ में कहां कहां एप्लीकेशंस की जा सकती है, क्या इसका बेनिफिट रहेगा हमें सीखने का. तो जैसे यहां हम देख सकते हैं देयर इज अ टावर और इस टावर को एक पर्सन है जो यहां पर खड़े होकर देख रहा है एंड दिस इज हिज आई लेवल और हॉरिजॉन्टल लेवल. आई का जो स्ट्रेट लेवल होता है उसे हम आई लेवल बोलते हैं. यहां से जो भी एंगल बन रहा है टावर की टॉप को देखने के लिए तो उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. और अगर मुझे जानना है कि इस टावर की हाइट कितनी है तो अगर एंगल आपके पास है, बेस आपके पास है, तो टी रेशियो का यूज करके बहुत इजीली हम इस टावर की हाइट कंप्लीट मेजर कर सकते हैं बिना किसी मेजरिंग टेप के. सिमिलरली आप सोचोगे कि शायद टावर को तो फिर भी मेजरिंग टेप की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाइट को, बट हमारे पास अगर कोई पहाड़ है बहुत ऊंची ऊंची जैसे माउंट एवरेस्ट की हमें हाइट पता है तो क्या लगता है किसी ने कैसे मेजर किया होगा भाई. आपके पास ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, एक कोई भी माउंटेन के केस में नहीं है आपके पास, माउंट एवरेस्ट के केस में भी नहीं है. तो उसे कैलकुलेट करने के लिए अगर मेरे पास सन का एंगल है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम कितने डिग्री का एंगल हमारे पास उसकी शेडो के बीच में और हाइट के जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज ये फॉर्म हो रहा है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, क्या एंगल बन रहा है एट अनदर टाइम, क्या एंगल बन रहा है दोनों पॉइंट्स में, कितना डिस्टेंस है, तो इन सब चीजों को लेते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट निकाल सकते हैं. बुर्ज खलीफा है हाइट उसकी निकाली जा सकती है और इसी तरह से जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं उनकी हाइट्स निकालने में, किसी भी रिवर की विड्थ निकालने में ट्रिग्नोमेट्री का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री के इन 60 रेशियोज के साथ बहुत अच्छे से फेमिलियर हो जाएंगे, अच्छे से इन सबको सीख जाएंगे, तो इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, उस चैप्टर में हम बेसिकली कवर करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. आज हमने सिर्फ डिस्कस किया है कि यस ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में की जा सकती हैं. तो हम अब डिस्कस करते हैं कि कैसे हम फेमिलियर हो टू दी 60 रेशियोज. सबसे पहले एक क्वेश्चन यहां पर हमने लिया है, देयर इज अ ट्राइंगल एबीसी, इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेंजेंट ए इज गिवन टू बी 4/3. टेंजेंट ए, जो भी एंगल यहां लिखा होगा डियर व्यूअर्स, ये आपको ध्यान रहे दिस इज नॉन एज द बेस एंगल, और यहां जो एंगल होगा ये आपके 90 डिग्री एंगल को छोड़कर बाकी दोनों एक्यूट एंगल्स में से कोई भी एक एक्यूट एंगल दिया होगा आपको, ठीक है. जैसे इस क्वेश्चन में आपको ए एंगल गिवन है तो दैट इज एक्यूट एंगल दिस वन, यानी इस एंगल के सामने वाली जो साइड है एंगल 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है दैट विल बी नॉन एज दी हाइपोटेन्यूस एंड दिस साइड इज नॉन एज दी बेस. जहां पर बेस एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है दैट साइड इज नॉन एज दी बेस.
ऑलराइट, हमें टेंजेंट ए की वैल्यू गिवन है, हमें अदर टी रेशियोज, तो अभी एक टी रेशियो गिवन है, टोटल होते हैं 6, तो कितने टी रेशियोज बच गए, 5 टी रेशियोज आर स्टिल रिमेनिंग। तो आपको इन 5 टी रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिनमें से हम हर एक टी रेशियो को 1 by 1, दैट मींस 1 इज साइन ए, नेक्स्ट इज कोस ए, टेन ए ऑलरेडी आपको गिवन है, नेक्स्ट इज कॉसिकेंट ए, देन सिकेंट ए, देन कोट और कोटेंजेंट ए, ये 5 टी रेशियोज हमें निकालने हैं। अब आपको पता है कि टेन ए की वैल्यू गिवन है 4 by 3, और हमें यह भी पता है कि tan a जो है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसे लर्न करने का एक छोटा सा तरीका है जो बहुत पहले से ही चला आ रहा है, हम एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस बोल रहे हैं, इट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। लेट मी रिपीट द सेम स्टेटमेंट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ऐसा कुछ है नहीं, पंडित बद्री प्रसाद जी कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक लर्न करने का तरीका है, दैट साइन थीटा इज इक्वल टू, पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेन्यूस, सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऐसे हमारे व्यूअर्स को इजिली लर्न हो जाएगा, नहीं तो गोल गोल घूमते रहेंगे, ये एस वर्ट इज परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। And then cos theta is equal to base upon hypotenuse, and then tan theta is equal to perpendicular upon base. तो अगर ये तीनों आपको लर्न हो गए तो फर्दर तो आपको पता ही है, अभी हमने डिस्कस किया था, क्या किया था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है cosecant, तो अगर मुझे साइन पता है तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे और आपके पास cosecant की वैल्यू होगी, अगर आपको cos पता है तो इसका रेसिप्रोकल होता है secant, अगर आपको टेंजेंट की वैल्यू पता है तो उसका रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट और कोट। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, इफ टेंजेंट इज इक्वल टू 4 by 3, सो वी कैन से दैट व्हाट इज द परपेंडिकुलर, दैट इज 4 इंटू सम कांस्टेंट, लेट दैट बी 4k, और बेस की वैल्यू क्या होगी 3k, तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास बेस है, हमें निकालना है हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस निकालने का फॉर्मूला आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी किया है, दैट इज अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, विच इज इजीली कैलकुलेटेड एज 5k, रूट 25k स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और k स्क्वायर का अगर आप रूट करते हैं दैट इज k। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा ये k कहां से लिख दिया, तो k हमने कहां से लिखा, एक्चुअली दी वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज 4 by 3, मुझे नहीं पता एक्चुअल में परपेंडिकुलर और बेस क्या है, हो सकता है परपेंडिकुलर 8 हो और बेस 6 हो, और इनको कैंसल करने पर फाइनली शॉर्टेस्ट लोवेस्ट फॉर्म में आपके पास 4 by 3 आ रहा हो सकता है मेरे पास ये वैल्यू हो 12 और ये वैल्यू हो यस व्हाट विल बी दिस 9, यस वेरी गुड मैम, so again it is 4 by 3, so what we are able to see that आपके पास कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट ऐसा हो सकता है जो परपेंडिकुलर के साथ भी एक्स्ट्रा चल रहा है और बेस के साथ भी एक्स्ट्रा चल रहा है, जिसके लिए हमने यहां पर इंट्रोड्यूस किया है k को, where k is some real number, where k is some constant number, some real number you can say। तो अभी हो गया हमारा काम इजी, आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूस है, हमें पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, यस साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर इज 4k, हाइपोटेन्यूस इज 5k, ड्यू टू विच वी आर एबल टू से दैट साइन थीटा इक्वल्स टू 4k अपॉन 5k, तो ये जो k आपने इंट्रोड्यूस किया था फाइनली फिर से डिडक्ट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और आपका फाइनल आंसर हुआ 4 by 5। सिमिलरली साइन का जो रेसिप्रोकल है दैट इज कॉसिकेंट, दैट इज इक्वल टू 5 by 4, क्योंकि साइन ए का रेसिप्रोकल है। इसी तरह से कोस ए, यस डियर व्यूअर्स, कोस ए की वैल्यू हमने डिस्कस की है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आपका बेस 3k डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस इज 5k, एंड वी आर कंफर्टेबल टू से कि कोस ए की जो वैल्यू है
ओके सो ऑल द स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन मैम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है और आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री एक नया टॉपिक है आप सभी के लिए, तो जो मैम ने शॉर्ट फॉर्म वो लर्न करने की समझाई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट और सेक को समझने के लिए. तो आइए मैम से ही पूछते हैं कि आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका हो सकता है. जी बिल्कुल तन्वी, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि साइन ए की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोस ए कैसे कैलकुलेट हुआ. साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, दैट इज वाई दैट इज इक्वल टू 5/4. इसी तरह से सेक ए, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस ए और उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5/3. कोट ए की वैल्यू इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट और टेंजेंट हमें गिवन था 4/3, दैट इज वाई कोट ए इज इक्वल टू 3/4. आई होप इट इज क्लियर टू आवर व्यूअर्स. सो लेट अस प्रोसीड अहेड. यस मैम, वी हैव गॉट लास्ट 3 मिनट्स लेफ्ट, तो क्यों ना हम ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझा के ये बच्चों को होमवर्क के लिए दे दे. जी बिल्कुल तन्वी, मैं बिल्कुल यही चाहूंगी क्योंकि हमारा जो बेसिक है, मेन वर्क जो है कि हमें आज डिस्कस करना था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड रिलेशनशिप. तो ये रिलेशनशिप से ही रिलेटेड क्वेश्चंस है. लेट अस गिव दिस क्वेश्चन टू आवर व्यूअर्स, जस्ट गिविंग देम अ क्लू. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी विच इज राइट एंगल एट बी, सो दिस टाइम बी पॉइंट पर ही 90 डिग्री का एंगल गिवन है. टेंजेंट ए इज गिवन टू बी 1 एंड हमें वेरीफाई करना है डबल ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1. तो ये चीज वेरीफाई करने के लिए सिंपल सी बात है डियर व्यूअर्स, आपको पहले की ही तरह साइन ए कैलकुलेट करना है, आपको कॉस ए कैलकुलेट करना है और ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए आई नो टेन ए इक्वल टू 1, आप 1/1 भी उसे लिख सकते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर को आप 1k और बेस को 1k अगर एज्यूम कर लेते हैं तो यू आर इजीली एबल टू कैलकुलेट द हाइपोटेन्यूज विच इज √2 × k. तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, बेस है, परपेंडिकुलर है. लेट अस पुट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज इन द फिगर. यस, नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स 2 × sin A × cos A की बात करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, यस साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉस ए इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 × perpendicular डिवाइडेड बाय √2k विच इज योर हाइपोटेन्यूज, बेस k डिवाइडेड बाय √2k. तो वट सो एवर इज पॉसिबल टू बी कैंसल्ड आप कैंसिल कर देंगे और हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज यस यस दैट इज इक्वल टू 2 × 1/2. सो योर फाइनल आंसर इज 1 विच इज योर राइट हैंड साइड. यही आपको प्रूव करना था. एक छोटी सी बात अपने व्यूअर्स को यहां पर कहना चाहूंगी कि tan a का मतलब आप कभी भी ये नहीं समझेंगे दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टेन एंड ए. नो, दिस इज नॉट द प्रोडक्ट. टेन ए का मतलब है 4 angle A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी रेशियो टेंजेंट. अगर मैंने एंगल आपको ए दिया है 45 डिग्री, तो टेंजेंट 45 डिग्री की कोई ना कोई अपनी वैल्यू है. टेंजेंट 30 डिग्री या साइन 30 डिग्री की कोई ना कोई अपनी वैल्यू है. इट इज नॉट द प्रोडक्ट. Yes, Tanvi. So this is the question with which we are summing it up here. Okay. Thank you so much, ma'am. Trigonometric का concept बच्चों को बताने के लिए, T ratios समझाने के लिए कितनी तरीके की T ratios होती हैं और उनका आपस में क्या relationship होता है. And last point जो आपने highlight किया, that was also very important कि tan A का मतलब tan into A बिल्कुल नहीं है. तो ये सब जो आपने समझाया, I'm sure जो next part होगा और जब हम उसमें continue करेंगे तो बच्चों को और भी ज़्यादा समझ आएगा. So thank you so much, ma'am, आज का ये program में हमें join करने के लिए. Thank you. जी तन्वी, बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद.
धन्यवाद सभी बच्चों को भी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। इससे जुड़े जो भी क्वेश्चंस आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक में हैं, उन्हें प्लीज करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमेशा हमें अपने प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dth.class10@cit.nic.in। इसी तरह हमारे प्रोग्राम्स देखते रहिए पीएमई विद्या चैनल्स। थोड़ी देर में हाजिर होंगे सोशल साइंस का एक कार्यक्रम लेके, जहां विषय होगा संसाधन एवं विकास। तो अभी के लिए हम इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।